So what is up guys, this is Bhaksh Taneja back with another video, and from this video I'm going to start a new series called 3 Minute Thursdays. And ये बिल्कुल किसी ने आज तक किया नहीं है, पहले एकदम ओरिजिनल आइडिया है, आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि एकदम ओरिजिनल नाम लेके आया हूँ मैं, एकदम ओरिजिनल आइडिया है, बिल्कुल किसी ने आज तक पहले किया ही नहीं है ये. So guys, in this series, I'm going to give you 3 minute short tutorials on videos which will be like really short and precise. मतलब basically मैं आपको 3 minutes में कोई चीज़ें सिखाऊंगा, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है, वो या तो tutorials हो सकता है या मैं आपको कोई चीज़ सिखाऊंगा creative या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So it will be a 3 minute video which will be really short and precise and it will be dropping on Thursdays as the name says 3 minute Thursdays. So मतलब ये वाली video 3 minute के अंदर होगी और आप लोग को मैं इसमें कोई चीज़ें सिखाऊंगा और ये Thursdays को drop होगी, ठीक है. So this will be the first episode for the 3 minute Thursdays, and in this video I'm going to teach you how you can get the underwater muffled audio effect in Adobe Premiere Pro. So without any further delays, let's begin with the video. And a really good effect to have in your videos. मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपको videos में काफ़ी अच्छा भी लगता है ये वाला effect. आपने काफ़ी सारी travel videos वगैरह में भी देखा होगा, काफ़ी सारी आपने cinematic videos वगैरह में देखा होगा ये वाला effect, जब बंदा underwater जाता है एकदम से audio muffle हो जाती है, या फिर आपने काफ़ी सारी और भी videos में देखा होगा कि लोग voice over के पीछे भी ये चीज़ use करते हैं. There are a hell lot of ways to use this effect in your videos and it looks really amazing every single time, ठीक है. So सबसे पहले आपको इस effect के लिए चाहिए दो चीज़ें, आपका गाना, आप अपने video के हिसाब से गाने को sync कर लो, ठीक है. और दूसरा आपको चाहिए video. वीडियो अपना पूरा मैंने अपने एस्टेट सीक्वेंस में अपनी वीडियोस पूरी रेडी कर रखी है यहाँ पे, और ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर पे थोड़ा सा बस सिनेमैटिक क्रॉप डाल रखा है. सो टू गेट दिस इफेक्ट इन योर वीडियोस यू हैव टू गो टू इफेक्ट्स वाला पैनल, यहाँ पे आपको जाकर सर्च करना है लो पास के लिए. लो पास में जाके आपको ये फिल्टर एंड ईक्यू के अंदर मिल जाएगा, ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ लो पास मिल जाएगा. यहाँ पे आप इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे आपको अपने ऑडियो ट्रैक के ऊपर, ऑडियो ट्रैक के ऊपर ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपके इफेक्ट्स कंट्रोल वाले पैनल में यहाँ पे लो पास शो कर जाएगा, यहाँ पे अगर आपका ऑडियो ट्रैक सिलेक्टेड होगा. सो वी आर ऑन द फ्रेम जहाँ से हमें स्टार्ट करना है अपना ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन मफल्ड ऑडियो टू मफल्ड ऑडियो वाला इफेक्ट, क्योंकि अगर हम इस इफेक्ट को एकदम अब्रप्टली स्टार्ट कर देंगे तो काफी अजीब लगेगा. मतलब आप सोचो एकदम दग से आपका एकदम मफल्ड ऑडियो वाला इफेक्ट स्टार्ट हो जाए तो इट विल लुक वेरी वियर्ड एंड अब्रप्ट, ठीक है. तो यहाँ पे हम इस वाले फ्रेम से हमें स्टार्ट करना है अपना ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन मफल्ड टू मफल्ड वाला ऑडियो इफेक्ट. तो यहाँ पे हम एक की फ्रेम क्रिएट कर देंगे कट ऑफ का, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे इस की फ्रेम की 20,000. सो यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स और आपको सेम वैल्यूज डालनी जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे 20,000 एंटर करेंगे, फिर शिफ्ट और राइट वाला एरो दबाने से 5 frames स्किप होते हैं. 5 frames स्किप करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 800, ठीक है. तो नेक्स्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू अपनी 800 हो गई है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नई वैल्यू एंटर करी तो ये किसने अपने आप से यहाँ पे न्यू की फ्रेम बना दिया है. आप देख सकते हो यहाँ पे अपने 2 keyframes आपको दिख रहे हो. तो अब हम यहाँ पे हैं उस वाले फ्रेम पे जहाँ पे हमें इस इफेक्ट को एंड करना है. मतलब यहाँ से हम एक और ट्रांजिशन बनाएंगे इसे मफल्ड ऑडियो से नॉन मफल्ड वाले उसमें ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अगर अब्रप्ट जाएंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको की फ्रेम बस यहाँ पे दबा देना है अपना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल अपना 800 Hz वाला की फ्रेम बन जाएगा. आप यहाँ देख सकते हो की फ्रेम की वैल्यू सेट है पूरा, यहाँ पे इसके बीच में 800 ही रहेगा. अब यहाँ पे हम इस वाले की फ्रेम पे आ जाते हैं, फिर देन अगेन वील प्रेस शिफ्ट प्लस द राइट एरो की, इससे 5 frames स्किप होकर आगे चला जाएगा एंड यहाँ पे वील हैव द वैल्यू अगेन 20,000 Hz, ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा क्लिप एक बार स्टार्टिंग से दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ एंड वील लुक हाउ आर बोथ द ट्रांजिशंस आर लुकिंग लाइक. गाइस जैसे जो ये वाला ट्यूटोरियल था ये मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट करा था मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में, आप भी जाके मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में रिक्वेस्ट कर सकते हो कोई भी ट्यूटोरियल जो आप मतलब लेना चाहो मेरे से, ठीक है. एंड गाइस आई वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. ये इफेक्ट अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक पक्का करके जाना, ठीक है. अगर आपको इस सीरीज के और एपिसोड्स भी देखने तो यार सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है. लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को पक्का दबा देना क्योंकि अब 1,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले, जल्दी 1,000 पहुंचा दो. तुम लोग बहुत गंदी बात करो, तुम लोग 1,000 नहीं पहुंचा रहे, ठीक है. So guys, that was pretty much it for the first episode of the 3 Minutes Thursdays and I hope ki video 3 minute ke andar bani ho, matlab kyunki isme thoda intro bhi tha to matlab agar 3 minutes cross hui ho to I'm really sorry for that. So guys, that was pretty much it for this video. Thank you guys for watching this video. See you in the next one. Peace.